नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इरशाद आलम और आप देख रहे हैं टेक कलर। दोस्तों आज की इस वीडियो में लिसान कंपनी का वाइंडिंग मशीन, ये जो वाइंडिंग मशीन है लिसान कंपनी का, इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वीडियो को देखते रहिएगा। इसका पैकिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको। देख सकते हैं आप, ये थर्माकोल डाला हुआ है मशीन की सेफ्टी के लिए। ये बगल में डाला हुआ है थर्माकोल और ये बगल में। चलिए इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने थर्माकोल को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ इसका ये प्लेट है। तो चलिए अब इस कूट को बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चाबी है इसका, सब इसको फिट करना पड़ेगा। और इसका ये दराज है और यहाँ मीटर बंधा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ये डैमेज हो चुका है, ये डैमेज हो चुका है। बाकी और देख रहा हूँ, थोड़ा रगड़ आ चुका है इधर पीछे की तरफ से फिनिश है। मशीन में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा आ चुका है डैमेज ये। अब चाबी को निकालते हैं बाहर। इसमें चाबी है 4 और 2 6, 6 पीसेस का चाबी है। ये दोनों एक ही है और ये दोनों एक और ये दोनों एक, 3 चाबी है, 3 दुनी का 6 चाबी। दोस्तों बहुत मुश्किल से ये दरवाज़ा खुला, कि देखिए यहाँ पे ये डैमेज हो चुका है थोड़ा सा, तो ये अभी भी लग रहा है, देख सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। ये यहाँ मीटर लटका हुआ है, मीटर को अभी फिट करेंगे, बाकी वायर सब जुड़ा हुआ है शायद। आप देख सकते हैं नीचे एक और दराज है। चलिए इसको भी खोल के देखते हैं। तो देख सकते हैं मैंने खोल लिया है। इसमें ये इस तरफ का है, इधर शायद कसने वाला, ये 2 नट दिया हुआ है, इसमें कसना होगा। चलिए इसको भी कसेंगे, पहले देख लेते हैं अंदर और क्या क्या है। तो ये एक गत्ता है, गत्ता में आप देख सकते हैं ये बंधा हुआ है। और ये इसका निज श्याम का 2 पन्ना का किताब कह लीजिए, चाहे इसका प्रचार कह लीजिए, ये है। इस मशीन का मॉडल है NS 949, आप देख सकते हैं NS 949।
बाकी मशीन पे तो लिखा हुआ कहीं नजर अभी नहीं आ रहा है। मशीन पर दोस्तों लिखा हुआ तो नहीं है कि इसका मॉडल कितना है, पर ये जो किताब में है ये इस पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब डाई को देखते हैं, डाई कौन कौन सा आया है। इसका और भी मशीन का मॉडल है, देख सकते हैं। इस मॉडल के लीजिएगा तो 649, ये मॉडल है 049, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये लॉकर के लिए है। चलिए इसको फिट करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये गत्ता है, ये पैकिंग इसका है, देख सकते हैं पूरा कागज लिपटा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक इलंकी मिला हुआ है, और ये पन्ना मिला हुआ है, और ये प्लेट है जो रील पर रखने के लिए इस तरह से होगा। रील पर रख के इसे तार ना टूटे इसलिए है ये। तो चलिए अब डाई को निकालते हैं। तो ये रहा डाई, एक नंबर, तीन नंबर, ये दो नंबर, ये छह नंबर, ये तीन नंबर, ये एक नंबर का डाई, चार नंबर, छह नंबर, ये दो नंबर, पांच नंबर, नंबर। तो आप देख सकते हैं ये नंबर से डाई आया हुआ है, जो दो डाई है, एक नंबर और दो नंबर, दो डाई है, तीन नंबर और ये चार नंबर। ये चार नंबर, ये पांच नंबर, ये छह नंबर। अब हमको ये अभी मालूम नहीं है कि कौन से डाई के लिए लगेगा, उसके लिए आगे की वीडियो में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं डाई की क्वालिटी, आप देख लीजिए। इस तरह से कुछ है। चलिए इसको साइड करते हैं और मीटर को अब फिट करते हैं। इसको फिट कर देते हैं पहले, उसके बाद चलिए उसको फिट करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, ये इसके लिए बढ़िया नहीं लग रहा है, इसीलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है, ये थोड़ा बनाना पड़ेगा शायद, देखते हैं बाद में। चलिए सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं। इस तरह से कसने के बाद फिर आपको इसी प्रकार से फिट कर देना है।
ये इसको बाद में देखेंगे, ये तो लग नहीं रहा है बढ़िया से, ये डैमेज हो चुका है तो लग नहीं रहा है ये। चलिए इसको बाद में सही करेंगे, होगा सही तो सही कर लेंगे। चलिए अब मीटर को सेट करते हैं, निकालते हैं उसके लिए मीटर को बाहर, बस पहले इसको काट लेते हैं। काट लिए हैं, ये चारों स्क्रू को खोल लेना है। मीटर को अब निकालते हैं बाहर, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा डैमेज करके निकालना है, अब पलट करके ताकि वायर भी ना टूटे आराम से। दोस्तों मैंने निकाल लिया है बाहर, ये तार आप देख सकते हैं ये ऊपर गया हुआ है मोटर में, मोटर के लिए, और ये तार आया हुआ है इसका, ये लीड है बाहर के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका मीटर पैनल है, इस तरह से इसको फिट कर लेना है। ये थोड़ा डैमेज हो चुका है इसीलिए शायद दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा जा रहा है। दोस्तों मैंने मीटर को कस कर लिया है कंप्लीट। चलिए अब इसको सप्लाई देते हैं और चालू करके देखते हैं। दोस्तों वायर है इसका और इसका ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको इधर कस लेते हैं पहले। ये जो को ये बोल्ट है इसको खोल करके कसना है, साथ में इसका ये पन्ना मिला हुआ है रिंच, इसी से बजाय काम। इसको कसना
ये तो हो गया रेडी, और इसका ये जो है हैंडल, इस नट इस बोल्ट को खोल करके कसना है यहाँ। तो इस तरह का इसका नट है, अब आसर इसका है, ये इसमें फिट हो जाएगा। तो मैं भी इस मशीन को चलाया नहीं हूँ पहले, ये पहली बार मंगा रहा हूँ। इसका ये लॉक है, इसको टाइट करने के बाद ये लॉक हो जाएगा, उधर नहीं जाएगा। और ये भी अभी लूज पड़ा हुआ है, तो अपने हिसाब से इसको मैं फिट कर दूँगा। एक तरह से ये स्प्रिंग दिया हुआ है ये वाला, ये दब जाएगा, एक ही तरह से टाइट करना पड़ेगा। चलिए पहले सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति है इसका। तो दोस्तों मेरे पास ये बोर्ड है, चलिए इसमें इसको सप्लाई देते हैं। मैंने प्लग को कर लिया है, बोर्ड में लगा दिया है प्लग को, मशीन के करता हूँ ऑन। मशीन को कर दिया हुआ हूँ, ये रिसेट का बटन है, ये अप डाउन कर बटन है, अप ये डाउन मतलब टर्न ज़्यादा करने के लिए इसको करना पड़ेगा, कम करने के लिए इसको करना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड में अभी मशीन चलेगा, ये रिवर्स में यहाँ रहेगा, बिलिंग कर रहा है। और ये स्विच स्टार्ट स्टॉप के लिए है, और ये रिसेट के लिए स्विच है, तो रिसेट मैंने कर दिया है। और टर्न ये पहले से 55 टर्न मतलब सेट पर था, इसको देखिए इसको दबाएंगे एक एक पॉइंट करके तो एक पॉइंट बढ़ेगा, इसको दबा के रखेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, और इसको दबाएंगे तो कम होगा। चलिए अभी हम इसको 60 टर्न इसको सेट करके चलाते हैं, तो चल रहा है कि नहीं, इसको पकड़ ले रहे हैं इसको इस तरह से। तो मशीन को मैं करता हूँ ऑन, तो मशीन को मैंने कर दिया हूँ ऑन। ये देखिए कितना जल्दी 60 टर्न लग गया, पता भी नहीं चला। अब इसका टर्न बढ़ाता हूँ, तीन सौ पचास टर्न पर सेट कर दिया हूँ, और फिर से चालू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही 350 टर्न कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिक मशीन बंद हो गया, और ये अभी फॉरवर्ड में है, रिवर्स में देखिए आपके बार ये अभी फॉरवर्ड में चलेगा, मशीन जो ब्लिंक कर रहा है लाइट ये फॉरवर्ड में चलेगा। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ मशीन को, ये फॉरवर्ड मतलब इस तरह से सीधा हुआ, रिवर्स मतलब उल्टा हुआ। मशीन का आवाज़ कुछ भी नहीं है, एकदम साए तरह बोल रहा है, मशीन का आवाज़ सही है। ये बिलिंग कर रहा है, ये मोटर का जो लाइट ऑन है मतलब मोटर चालू है, और ब्रेकिंग ब्रेक का ये लाइट है, जैसे ब्रेक लगता है तो यहाँ लाइट जल जाता है। देखिए अभी रिवर्स में चलेगा, इस प्रकार से ये मशीन चलेगा, अभी फिर चालू करके दिखाते हैं आपको। देखिए चल रहा है ये मशीन, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें, इसमें बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रहा है। इसका पैनल बोर्ड ये है, देख सकते हैं लग गया ब्रेक। दोस्तों आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से मशीन चल रहा है, और डाई किस तरह से सेट करना है,
और स्टेटर किस तरह से लगाना है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।